नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव 2025 का रोड मैप पेश किया जाएगा, इतना ही एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश कर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार, आक्रमणीयता और भाई भतीजावाद की निंदा की जाएगी। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज होगी। इसमें विधानसभा चुनाव 2025 का रोड मैप पेश किया जाएगा, इतना ही एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश कर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार, आक्रमणीयता और भाई भतीजा की निंदा की जाएगी। अभी तक या सबसे बड़ी कार्यकारिणी होगी, इसमें नियमित करीब 280 कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे। 2300 विशेष आमंत्रित कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री व भाजपा के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी ने केंद्र में एनडीए के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के गठन के बाद अगले 3 से 4 महीने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। मिश्रीवाला के एक पैलेस के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में शनिवार को हुई कार्य समिति की बैठक के समापन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आगामी विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ाना है और 100 में से 100 नंबर लाने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पानीपत दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने एसडी विद्या मंदिर में 31 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। वहीं जम्मू कश्मीर में 11 महीने पहले आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद पानीपत के गांव बिजोल निवासी मेजर आशीष दोचक की मां ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। प्रदेश के पंचायत राज मंत्री महिपाल ढांडा ने भी मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने यह मांग रखी है कि इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर शहीदों के माता पिता का दर्द झलक कर सामने आया है। कानपुर के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से 18,000 से अधिक युवाओं को रक्षा उत्पादन सेक्टर में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहां छोटे बड़े हथियार से लेकर गोला बारूद, अंतरिक्ष उपकरण और डिफेंस टेक्सटाइल्स का निर्माण होगा। कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर आने वाले दिनों में आयुध नगरी के रूप में विख्यात होने जा रहा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर UPDIC तेजी से आकार ले रहा। UPDIC के प्रदेश में 6 नोड हैं, जिसमें कानपुर नोड में सर्वाधिक निवेश हो रहा है। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का यहां अपने गृह नगर में नायक की तरह स्वागत किया गया, जहां प्रशंसकों और परिवार के सदस्यों ने उन्हें माला पहनाई, जुलूस निकाला और भांगड़ा किया। अर्शदीप ने हाल ही में T20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 17 विकेट लिए और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर रहे। अर्शदीप ने खुली गाड़ी में यात्रा करते हुए बताया, मैं सभी प्रारूपों में खेलना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इस पल का आनंद लेना चाहता हूं। टीम इंडिया को 2 विश्व कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सितारों से लेकर फैंस तक उन्होंने इस खास मौके पर बधाई दे रहे हैं। माई के नाम से मशहूर धोनी ने इस बार अपना बर्थडे पत्नी साक्षी और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ मनाया। सोशल मीडिया पर उनके जन्मदिन के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में धोनी केक काटकर अपनी पत्नी और फिर बाद में सलमान खान को खिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं एक वीडियो में साक्षी अपने पति महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूती नजर आ रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से ले लिया है और हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी राज्य इकाई चुप नहीं बैठेगी और इस मामले को CBI को सौंपने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाएगी। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला फूल पकड़ता जा रहा। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ मामले को यूपी के सीएम योगी को पत्र लिखा। राहुल ने सीएम योगी से पीड़ित परिवारों की समस्याओं का जिक्र किया। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी ने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री योगी को पीड़ित परिवारों की समस्याओं को बताया। इसके साथ ही सांसद राहुल गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि दी जाए। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है।
कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले विधायक रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव के बीच विजयपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हुई थी। रावत कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक होने के साथ ही ग्वालियर चंबल में अच्छा प्रभाव रखते हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद भी रावत और सप्रे ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, इसको लेकर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से भी शिकायत की है। अब भाजपा रावत को मंत्री बनाकर इनाम दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ ही विश्व उप चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के प्रमुख कारणों में उम्मीदवारों के चयन का मुद्दा उठने के बाद भाजपा अब विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों चयन में बेहद सतर्क होकर कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ ही विश्व उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।